हमने जो भी दुनिया बनाई है वो हमारी सोच का एक उत्पाद है। हमारी सोच को बदले बिना इसे नहीं बदला जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे करने के लिए हमारा मन मस्तिष्क हमारा साथ देता है और इनकी मदद से हम वह काम कर पाते हैं। हमारा मन हर वक्त नई नई उधेड़ बुन में लगा रहता है। हर पल हमारे मन के भाव बदलते रहते हैं। कभी हम अचानक से खुश होने लगते हैं तो कभी हम अचानक से दुखी हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा अवचेतन मन में निरंतर विचार आते और जाते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कई घटना या फिर आसपास का वातावरण। यदि कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं। इसी के ठीक विपरीत कुछ दुखद स्मृतियां या घटनाएं मन को दुखी करती हैं और फिर व्यक्ति चिंता में डूब जाता है। इसके अलावा हमारा मन नई नई योजनाओं को बनाने और उन्हें और बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जिस तरह कोई नई वस्तु लाने से पहले हम पुराने सामान को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह कुछ नया सीखने से पहले इंसान को पहले अपने पुराने विचारों को भूलना पड़ता है। यानी किसी भी नई चीज का आविष्कार करने से पहले हमें अपने विचारों पर काम करने की आवश्यकता होती है और यह सब तभी तक मुमकिन हो पाता है जब हम खुद को गहराई से जान लेते हैं। खुद को जानने के लिए हमें गहरे विचारों में डूबने की जरूरत होती है और अपनी सोचने की क्षमता को पहचानने की। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन और अपनी सोचने की क्षमता को गहराई से जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही दो किताबें। पहली है पावर ऑफ इंटेलिजेंस थिंकिंग, जिसे सोम बाठला ने लिखा है। इस किताब में सोम बाठला ने इस अवधारणा को समझाया है कि मनुष्य सामान्य रूप से कैसे सोचता है। साथ ही आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने विचार करने के तरीके को बदल सकते हैं। दूसरी किताब है आइए जानते हैं आपके मन को। इस किताब को डॉक्टर श्रीरंग बाखले ने लिखा है। इसमें लेखक ने मन के रोचक पहलू जैसे कि क्रिएटिविटी, जिज्ञासा और उत्साह आदि के बारे में गहराई से बताया है। इसी तरह मन के कुछ तकलीफ देह पहलुओं पर भी रोशनी डाली है। साथ ही दुख, अकेलापन, डर और गुस्से जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के नुस्खे भी इन्होंने बताए हैं। दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही किताबों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।